जरा उस सांसद को बता दीजिए, इन भाजपा वालों को, कि जितना डीजल पेट्रोल आता सब मुसलमानी कंट्री से आता है, तो क्या डीजल और पेट्रोल लेना बंद कर देंगे क्या? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली में हो रहे आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक तरफ जहां बीजेपी पर जमकर के निशान साधा है, वहीं कहा है कि 2024 के लिए जब हमें लड़ना है तो मिलजुल कर लड़ना होगा, सभी को साथ लड़ना होगा। साथ ही साथ जो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, एक बीजेपी सांसद को ताना मारते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल जो है वो इस्लामिक कंट्रीज से आता है, तो क्या पेट्रोल और डीजल लेना भी बंद कर दें? जो लोग हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करते हैं उन पर भी तेजस्वी यादव करारा प्रहार कर रहे हैं। दिल्ली में आरजेडी की राष्ट्रीय अधिवेशन हो रही है, जिसमें लालू प्रसाद सहित तमाम जितने आरजेडी के बड़े नेता हैं सभी शिरकत कर रहे हैं। लालू प्रसाद को फिर से आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। एक भाजपा का एमपी कौन से डिजाइन में लोग लगा हुआ है? एक भाजपा का एक एमपी है दिल्ली का, वो ज्ञान बांट रहा था कि अल्पसंख्यक जितने हैं, मुसलमान जितने हैं, जो रेड़ी पे फल बेचते हैं, जो गुमटी में दुकान खोलते हैं, वहां से कोई खरीदी मत करो हिंदू भाइयों, कोई उनसे खरीद मत करो। बताइए क्या सोच है भाई? जरा उस सांसद को बता दीजिए, इन भाजपा वालों को, कि जितना डीजल पेट्रोल आता सब मुसलमानी कंट्री से आता है, तो क्या डीजल और पेट्रोल लेना बंद कर देंगे क्या? और कितने मुसलमान देश में, आप देखिएगा कि कितनी बड़ी आबादी हमारे देश के लोगों की है जो विदेश जाके रोजी रोटी करते हैं। अगर वहां भी ऐसा हाल होगा तो एक झटके में करोड़ों लोग जो है रोड पर आ जाएंगे, हमारे देश के लोग। आज यही भाजपा की ऐसी सोच है जिसके वजह से हमारी आर्थिक स्थिति देश का गड़बड़ा गया, चौपट हो रखा है। मोदी जी कहते थे ना कि ऐसा नहीं हो, मुख्यमंत्री थे तो बोलते थे ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि रुपया कमजोर हो जाए। हमने भी शासन किया, हमें पता है। अब 8 साल में बता दीजिए रुपया सबसे महंगा हो गया, सबसे मतलब नीचे गिर गया। डॉलर जो हो गया 82 रुपए हो गया, मतलब एक डॉलर पर आपको 82 रुपया देना होगा। पहले क्या था, 50 रुपया होता था, 60 रुपया होता था, तो मोदी जी को षड्यंत्र लगता था। अब जब 82 रुपया हो गया है डॉलर का, तो आज क्या हाल है भाई? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक वादा जो है पूरा ही नहीं हुआ। इसलिए इन लोगों का हिडन एजेंडा है। जब मुद्दे की बात करोगे, बेरोजगारी की बात करोगे, महंगाई के बारे में बात करोगे, भाईचारे के बारे में बात करोगे, किसान के बारे में बात करोगे, शिक्षा के बारे में बात करोगे, चिकित्सा के बारे में बात करोगे, देश की सुरक्षा के बारे में बात करोगे, तो ये लोग अपना वही एजेंडा, जो पुराना इनका जो फॉर्मूला है वही लेकर के आ जाएंगे। हिंदू मुसलमान झंझट पैदा करो, आपस में लड़ा दो और फूट डालो और राज करो कि नीति से ये लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जितने साथी यहाँ आए हैं देश भर से, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है, भाईचारा को कायम रखना है। जो भड़काने का काम करेगा उसको भी सबक सिखाना है। इसलिए हम लोग गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी, जेपी जी के मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी के मानने वाले लोग हैं, उनके विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। इसलिए अगर कट्टरपंथ का कोई जवाब दे सकता है तो वो समाजवाद ही दे सकता है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनवाया है। हिंदू मुस्लिम में भेद करने वाले नेताओं पर कैसे जमकर बरसे हैं, वहीं आह्वान किया है कि 2024 में अगर बीजेपी को हराना है तो हम सबको अपना अपना ईगो साइड करके साथ मिलकर लड़ना होगा, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। आरजेडी के इस खुले अधिवेशन में, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम जितने आरजेडी के कार्यकर्ता नेता थे वो मौजूद थे, उन सभी के बीच तेजस्वी यादव ने क्या कुछ संदेश दिया आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।